अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम एक पहले प्रोजेक्ट बना चुके हैं और जावास्क्रिप्ट काफ़ी एक अहम कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसकी और काफ़ी हैवीली यूज लैंग्वेज है, इसकी काफ़ी डिमांड है। तो ये उन बच्चों को काफ़ी हेल्प कर सकती है जो कि मुल्क से बाहर निकलना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं, या ये कंप्यूटर की काफ़ी सारी स्किल्स ऐसी हैं जो कि आपको अपने मुल्क में रहते हुए भी फॉरेन एक्सचेंज में कमाने का तरीका प्रोवाइड कर सकती हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन है, हम सीखेंगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये कैटरपिलर की इमेज है, सर्किल, और इसके बाद मैं क्लिक करता हूं और ये इमेज ड्रॉप हो रही है यहाँ पे, और मैं इसको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ये फंक्शनैलिटी काफ़ी सारी एप्लीकेशन में यूज़ होती है और वो बच्चे जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं उनके लिए काफ़ी कारामद साबित होगी। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप कितना कमा सकते हैं? जावास्क्रिप्ट की मदद से आप अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान से बाहर जाके बल्कि पाकिस्तान में बैठ के भी। तो ये मैं seek.com की एक वेबसाइट पर हूँ, जावास्क्रिप्ट मैंने टाइप किया है। आप देखेंगे 3,580 जॉब्स हैं आज की डेट में। इनकम हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा नीचे आते हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर की, 90,000 प्लस सुपर सालाना इनकम है ये, और यहाँ पे 65,000 से लेकर $1,00,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्लस सुपर, और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाते हैं 1,30,000 से जावास्क्रिप्ट डेवलपर, 1,30,000 से 1,60,000 की इनकम है, 1,20,000 से 1,40,000 की तनख्वाह है ये, और 1,40,000 अप टू 1,40,000 प्लस सुपर काफ़ी सारी जॉब्स हैं, $900 से लेकर $1,100 पर डे, PD का मतलब है पर डे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी इनकम है, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, मुझे उम्मीद है कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर चूंकि रिमोटली काम हो सकता है तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठ के भी ये जॉब हासिल कर सकेंगे। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को दुनिया भर में कि रिमोट काम हो सकता है और स्लोली इसकी अवेयरनेस आ रही है, और इस वक्त भी काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में अपने मुल्क में बैठ के, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में कमा रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं। ये वीडियो सीरीज मैंने उन बच्चों के लिए डिज़ाइन की है, उन लोगों के लिए डिज़ाइन की है जो कि सोच रहे हैं पाकिस्तान से बाहर निकल के जॉब करने के लिए, या माइग्रेशन का सोच रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और कंप्यूटर की कुछ स्किल्स ऐसी हैं, IT की कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि न सिर्फ आपको पाकिस्तान से बाहर निकलने में हेल्प कर सकती हैं बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए भी काफ़ी अच्छे सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन सकती हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। जो लोग कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं अगर वो कंप्यूटर की कुछ स्किल्स सीखें तो उनके लिए एक एडिशनल इनकम जनरेट हो सकती है, और ये काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है। रिगार्डलेस, कंप्यूटर की काफ़ी सारी स्किल्स आपको पाकिस्तान से बाहर निकलने में हेल्प करेंगी, दूसरे मुल्कों में जाके बाइज्जत रोजी कमाने में हेल्प करेंगी। तो ये शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसमें एक और फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो उसमें सिर्फ एक इमेज है। डबल क्लिक करते हैं इस फाइल को, और ये एक इमेज है कैटरपिलर की जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, और इसको भी क्लोज कर देते हैं, और इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने लेफ्ट माउस क्लिक किया है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ और मैं विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन पे इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये फोल्डर हमारे पास, अगर मैं एक्सप्लोरर में जाऊँ तो ये यहाँ पे ओपन हो गया है। इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्लोरर में ये फोल्डर ओपन है हमारा, और ये हमारे पास एक ड्रैग एंड ड्रॉप का फोल्डर जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर दिया है। मैं क्लिक करता हूँ इस आइकन को और हम क्रिएट करेंगे एक न्यू फाइल। इस फाइल को कहेंगे index.html। टैब दबाया मैंने तो ये मेरे पास एक ब्राउजर, एक यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल क्रिएट हो गई है। मैं टाइप करता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और मैं टैब दबाता हूँ तो विजुअल स्टूडियो कोड ने बेसिक HTML इस स्केलेटन क्रिएट कर दिया मेरे लिए। इसको बेसिक बॉयलर प्लेट भी कहते हैं या बॉयलर प्लेट भी कहते हैं। मैं टाइटल को चेंज करता हूँ और आप देखेंगे ये यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसको मैं कहता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। टाइटल मैंने चेंज कर दिया, फाइल करते हैं इसको सेव, और मैं डबल क्लिक करता हूँ अपने फाइल के नाम पर, और ये ब्राउजर में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे पास खुल गया है और इसका ये टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप जो हमने यहाँ पे लिखा है।
हम अपने बॉडी एलिमेंट में जाएंगे, ओपनिंग बॉडी टैग है और ये क्लोजिंग बॉडी टैग है, इस तरह से लिखे जाते हैं एलिमेंट्स के नाम। और हम क्रिएट करते हैं एक डिव, मैं टाइप करता हूँ हैश सिंबल और डॉट, उसके बाद सी फिल, मैं टैब दबाता हूँ, तो हमारे पास एक एलिमेंट क्रिएट हो गया है जिसकी आईडी कुछ नहीं है लेकिन इसके पास है क्लास और क्लास का नाम है सी फिल। एक एट्रीब्यूट है डिव का, डिव का मतलब होता है डिवीजन, तो हमारे पेज पे वेब पेज पे एक डिवीजन क्रिएट हो गया है जो कि इस वक्त इनविजिबल है लेकिन मौजूद है यहाँ पे। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं होगा। एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं हम इसी तरह से, हैश सिंबल डॉट और मैं कहता हूँ सी एम टी। एक और मैंने क्लास डिव क्रिएट कर दिया जिसमें एक क्लास है और उस क्लास का नाम है एम टी, और हम इन दोनों एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी एस एस। सी एस एस का मतलब होता है स्टाइलिंग, यानी आप अपने एलिमेंट्स को स्टाइल दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा हेड एलिमेंट, हेड टैग क्लोज होने से पहले, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्टाइल, एस टी वाई एल ई, टैग दबाया मैंने, एक ओपनिंग स्टाइल टैग और एक क्लोजिंग स्टाइल टैग क्रिएट हो गया है। आमतौर से स्टाइल शीट्स एक्सटर्नल फाइल्स में क्रिएट की जाती हैं, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी एक एक्सटर्नल फाइल में होती है मोस्ट कॉमनली, लेकिन चूंकि मेरी ऑडियंस गालिबन बच्चे शायद नए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली हम सीखेंगे कि स्टाइल शीट को एज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट के तौर पे कैसे सेव करते हैं, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट की फाइल को एज एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे सेव करते हैं। हम टारगेट करेंगे इस एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट, मैं टाइप करता हूँ डॉट और मैं इसको नाम यूज करूंगा सी फिल बिकॉज ये क्लास है इसकी, सी फिल, और एक ओपनिंग कर ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट। मैं इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लास, और ये क्लास को टारगेट करने के लिए आपको डॉट लगाना पड़ता है स्टाइल शीट में। मैं कहता हूँ विथ, और विथ हम इसको दे देते हैं 300 pixels। इसी तरह से हाइट को इसको हम दे देते हैं 300 pixels, और मैं बॉर्डर क्रिएट करूंगा इसके अराउंड और मैं दूंगा 3 pixels सॉलिड ग्रीन बॉर्डर दे देते हैं इसको, काफ़ी डार्क है, क्लिक करता हूं मैं इसको और थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब चूंकि आप देखेंगे शुरू में ये डिप नज़र नहीं आ रहा था आपको, अब चूंकि इसके इसका हमने विथ दे दी है इसको, एक हाइट दे दी है और एक बॉर्डर दे दिया है, तो अगर मैं इसको नाउ सेव करूँ अभी और रिफ्रेश करूँ तो एक हमारे पास ये डिव नज़र आना शुरू हो गया है। हम एक और प्रॉपर्टी देंगे इसको, हम कहेंगे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 50%। 50% करने से क्या होगा कि ये बॉक्स एक सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसमें देते हैं एक और प्रॉपर्टी, हम कहते हैं बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के लिए यू आर एल हम देंगे, इस एक्सप्लोरर में जाते हैं दोबारा से, इमेजेस का एक फोल्डर है और ये सी पी एस वी जी के नाम से एक इमेज है, दोबारा से क्लोज करते हैं इसको और मैं टारगेट करूंगा इमेजेस, हम जाएंगे इमेजेस के फोल्डर में और सी पी एस वी जी के नाम से एक इमेज मौजूद है। अगर मैं इसको सेव करूं तो ये इमेज इस वक्त डिस्प्ले नहीं होगी। मैं कहता हूं बैकग्राउंड साइज और इसको हम दे देते हैं 600 pixels, सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं, नथिंग हैपन्स क्योंकि हमें एक और प्रॉपर्टी देनी है वो बैकग्राउंड पोजीशन की। बैकग्राउंड पोजीशन दे देते हैं इसको और बैकग्राउंड पोजीशन को कर देते हैं सेंटर। फाइल को करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, ये कैटरपिलर की इमेज यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो गई। अब हमने फंक्शनैलिटी जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये इमेज अपनी जगह पे मौजूद है, कुछ हो जाए मैं लेफ्ट माउस क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ, नथिंग हैपन्स। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ड्रैगेबल ट्रू कर देते हैं। तो अब क्या होगा, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे कि इमेज माउस के साथ ड्रैग हो रही है, हालांकि अपनी जगह से खाली नहीं हो रहा कुछ, लेकिन माउस के साथ आपको बैकग्राउंड में एक इमेज नजर आ रही है, ये डिव नजर आ रहा है क्योंकि पूरा का पूरा ड्रैग हो रहा है। दूसरा एलिमेंट को भी ये प्रॉपर्टी ये एट्रीब्यूट दे देते हैं ड्रैगेबल ट्रू का,
ताकि जब हम इसको यूज करें तो ये भी ट्रैगेबल हो। अब हमने इस एलिमेंट को तो टारगेट कर दिया था क्लास की मदद से, अब हम इस एलिमेंट को भी टारगेट करना चाह रहे हैं। तो मैं कॉपी कर देता हूँ वक्त बचाने के लिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और कौन सा एलिमेंट हमें टारगेट करना है, जिसकी क्लास है वी सी एम टी। सी एम टी क्लास का नाम है, तो हम इस एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको इस वक्त सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास दो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स तो क्रिएट हो गए। मैं इन तीनों चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको फाइल को करता हूँ सेव, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास एक एम्प्टी सर्कल मौजूद है और हम इसको इमेज को ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रही। अब ये फंक्शनैलिटी देने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगी जावास्क्रिप्ट, जो कि मकसद है आज के वीडियो लेसन का। तो मैं करता हूँ टाइप स्क्रिप्ट और बॉडी क्लोजिंग बॉडी टैग, जस्ट पहले मैंने स्क्रिप्ट एक ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और एक क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग क्रिएट किया है, और हम टारगेट करेंगे इस एलिमेंट को सेव करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल और वेरिएबल को मैं नाम दूंगा वी एम टी। लेट का कीवर्ड यूज करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको वेरिएबल को मैंने नाम दिया एम टी ई एम पी टी वाई, और मैं यूज करूंगा एक मेथड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर के बाद मैं टाइप करूंगा इस एलिमेंट की क्लास सिंगल कोटेशन में क्लास, और क्लास का क्या नाम है सी एम टी। सी एम टी ये एलिमेंट को मैंने क्वेरी सेलेक्टर की मदद से इस वेरिएबल में सेव कर दिया है। मैं जाता हूं थोड़ा सा नीचे और मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग, चेक कर लेते हैं कि ये इस वेरिएबल में कुछ सेव हुआ भी है कि नहीं हुआ है। वी एम टी इस वेरिएबल के कंटेंट्स को हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कंसोल लॉग की मदद से, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, F12 में दबाता हूं ताकि कंसोल ओपन हो जाए, और ऑफकोर्स हमारे पास लाइन 44 पर, ये लाइन 44 है हमारा कंसोल लॉग, और हम देखते हैं कि इस वेरिएबल में ये एलिमेंट हमारा सेव हो गया है। इसी तरह से मैं क्रिएट करता हूँ एक और वेरिएबल और हम कहते हैं इसको वी फिल, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्या करूंगा मैं सिंगल कोटेशंस और डॉट दबाऊंगा और सी फिल है क्लास का नाम, सी फिल है इस क्लास का नाम। तो इस एलिमेंट को भी मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया है। इस वक्त यहाँ पे एक एलिमेंट सेव है, मैं कॉमा लगा के दूसरे वेरिएबल को भी चेक कर लेता हूँ इसमें क्या मौजूद है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, आप देख रहे हैं कि वी एम टी में ये वाला एलिमेंट हमारा सेव है, ये वाला सेव है, और क्लास सी फिल में हमारे पास ये एलिमेंट इस वेरिएबल में ये एलिमेंट सेव है। अब चूंकि ये एलिमेंट्स हमारे पास सेव हो गए वेरिएबल में, हम इनको यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहेंगे वी एम टी और एड इवेंट लिसनर, हम ये चाह रहे हैं कि जब भी कोई एक्शन हो यहाँ पे इस वाले एलिमेंट पे तो हमें पता चल जाए, और मैं करूँगा एक पैरेंथेसिस क्रिएट, और हम चाहते हैं कौन से एक्शन को लिसन करना, कौन से इवेंट को लिसन करना, ड्रैग ओवर, और जब ये ड्रैग ओवर हो तो हम चाहते हैं कि एक फंक्शन रन हो। इस फंक्शन को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और ये फंक्शन हमने क्रिएट करना है अभी। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम करेंगे फंक्शन का कीवर्ड यूज, और उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसके बाद एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। फंक्शन को हम नाम क्या देना चाहते हैं, ए बी सी, फंक्शन ए बी सी, ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन रन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा इवेंट लिस्नर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग अगेन, और मैं इसमें कहूंगा ड्रैगिंग ओवर, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक करके इस इमेज को और यहाँ पे ड्रैग ओवर करूं
तो हमारे पास कंसोल में लिखा हुआ आना चाहिए ड्रैगिंग ओवर। मैं करता हूँ फाइल को सेव और मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने वेब ब्राउजर को, F12 दबाते हैं। और अगर मैं इस इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप करूं तो आप देखें कि यहाँ पे ड्रैगिंग ओवर लिखा हुआ आ रहा है, और जितनी देर तक मैं करता रहता हूँ ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पास ये हमारा इवेंट लिसनर काम कर रहा है और ड्रैग ओवर की फंक्शनैलिटी हमारे पास आ गई है। और हमने इवेंट लिसनर लगाया है इस वाले डिव एलिमेंट में, इस सर्किल में। तो ये फंक्शन हमने क्रिएट किया था, हम चाहते हैं कि जब ये ड्रैग ओवर हो तो ये रन होना शुरू हो जाए, और ये फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं ई, और हम कहते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके, और इसके बाद मैं कहता हूं वी एम टी डॉट सेट एट्रीब्यूट। हम एक एट्रीब्यूट को सेट करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि क्लास जो है इसकी डिफॉल्ट क्लास वी एम टी की क्लास थी, इस वेरिएबल की जो क्लास है वो है सी एम टी, और ये क्लास चेंज होके हो जाए सी फिल। और वो क्लास क्या है वो यहाँ पर हमने डिफाइन किए, इसमें एक बैकग्राउंड इमेज मौजूद है यहाँ पर। तो हम इस एलिमेंट की क्लास को चेंज कर रहे हैं जब यहाँ पे ड्रैग ओवर हो, तो हम कहते हैं क्लास चेंज जो है, क्लास का नाम था सी फिल, क्लास का नाम है सी फिल। तो मैं करता हूं सेव अपने डॉक्यूमेंट को, रिफ्रेश करता हूं, मैं ड्रैग करने की कोशिश करता हूं, ड्रॉप करता हूं, तो आप देखें कि ये इस एलिमेंट की क्लास भी चेंज हो गई है, लेकिन इस एलिमेंट की क्लास भी यही है इस वक्त। तो हम इस एलिमेंट को भी टारगेट कर लेते हैं और उसकी भी क्लास चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं वी फिल डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसकी क्लास को हम क्या करेंगे, चेंज करके कर देंगे सी एम टी। केस सेंसिटिव होते हैं, अगर आपने सी छोटा लिखा है शुरू में तो आपको सी छोटा ही लिखना पड़ेगा। मैं करता हूं इसको सेव और रिफ्रेश करता हूं, और मैं ड्रैग करके इस एलिमेंट पे ड्रॉप करता हूं, तो ये एलिमेंट हमारा ब्लैंक हो गया, ये सर्किल हमारा ब्लैंक हो गया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी हमारे पास आ गई। लेकिन अगर आप देखें तो अब ये इमेज में वापस ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूं। तो उसके लिए हम एक और इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं इस एलिमेंट के ऊपर, वी फिल के ऊपर। मैं कहता हूं वी फिल डॉट एड इवेंट लिस्टनर, हम जासूस लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब भी ड्रैग ओवर, ये इवेंट है ड्रैग ओवर का, जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है ड्रैग ओवर। तो हम क्या चाहते हैं, एक और फंक्शन रन हो जाए, और हम कहते हैं कि ये फंक्शन का नाम होगा XYZ। ठीक है, अब हमें ये फंक्शन क्रिएट करना है, और हम कहेंगे फंक्शन XYZ ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। इसके डिफॉल्ट एक्शन को प्रिवेंट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, यहाँ पे ई डाल देते हैं। और उसके बाद मैं कहता हूँ वी फिल डॉट सेट एट्रीब्यूट, और हम क्या करना चाहते हैं सेट एट्रीब्यूट को, वी फिल वाला ये है एलिमेंट, और हम इसी क्लास को चेंज करना चाहते हैं सी फिल, दोबारा से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, तो मैं सेव करके देख लेता हूं, फाइल सेव, रिफ्रेश करते हैं, ये मैंने ड्रैग के नीचे, उसके बाद मैं दोबारा ड्रैग करता हूं और ये दोबारा से ऊपर हमारे पास क्लास अप्लाई हुई। अब इस क्लास को एम्प्टी करना है, इस एलिमेंट को एम्प्टी करना है, तो हम कॉपी करेंगे इस एलिमेंट को, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और उसके बाद वी एम टी को मैं दोबारा से क्लास चेंज कर दूंगा सी एम टी, पी एम पी टी वाई। करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, दूसरे सर्किल पे इमेज ड्रॉप हो गई,
दोबारा से ऊपर जाते हैं और ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी हमने थोड़ी सी देर में सीख ली है। जो बच्चे ये और जो हजरात मैच्योर लोग भी जावास्क्रिप्ट सीखना चाहें उसको प्रैक्टिस करें इसको, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल साबित होगी आपके लिए। कोई भी नॉलेज हासिल करना बड़ी अहम चीज़ होती है, हमेशा पे ऑफ करती है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।